हम सभी को पता है कि हीट जो है रेडिएशन एनर्जी का एक प्रारूप है जिसको ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पिछले लेक्चर में हम लोग ये सारी बात जान चुके हैं। आज हम लोग जो है टेम्परेचर के स्केल के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ यू प्रकाश और हम सब जुड़ चुके हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज बात होगी टेम्परेचर स्केल की। तो यहाँ जो है थर्मल प्रॉपर्टी का ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें से हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, स्केल्स का बात होता है पैमाना, है ना। जब कभी हम लोग चर्चा करते हैं पैमाना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है कि अगर कोई आपसे ये बात बोले 1 मीटर, यस समबडी इज टॉकिंग अबाउट द मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, तो आपके दिमाग में एक स्केल आता है, एक पैमाना आता है जिसे आप समझ सकते हैं कि ये मीटर से मीटर एक स्केल होगा या रिबन होगा, जो टैप होता है उसे मेजर किया हुआ है, फीट है तो वो स्केल है ना। तो फीट जो है वो एक स्केल से मेजर किया गया होगा। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर जो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए भी स्केल्स हैं। और ये स्केल्स अलग अलग होते हैं, जैसे मीटर हुआ, सेंटीमीटर स्केल हुआ, मिलीमीटर स्केल हुआ, है ना, फीट स्केल हुआ, तो उसी तरह से टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं। लेकिन ये भाई हिट है ना, थोड़ा सा हाथ अगर गलत ढंग पे कहीं छू गया आग में तो सीधा उछलना शुरू। तो जाहिर सी बात है कि इसके रेफरेंस पॉइंट्स भी हैं। रेफरेंस जो पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं वो आसानी से जो उपलब्ध हो रहा था उसी के अनुसार लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और डिफरेंट स्केल्स की चर्चा होगी। नंबर 1, द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज डन बाय सम स्पेसिफिक स्केल्स। किसको मापना है भाई? टेम्परेचर को मापना है। प्रीवियस क्लास में बोल दिया गया कि भाई हीट जहां रहेगा तो वो कितने मात्रा में, किस मटेरियल बॉडी में कितना हीट का मात्रा है, ये जानकारी हम लोगों को टेम्परेचर देगा। और इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोगों को मिलने वाला है कैलोरीमेट्री में, जहां एच या क्यू बराबर आएगा एमएस डेल्टा थीटा, जो कि 9th क्लास के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। मास हो गया, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, क्योंकि हर एक अपने अपने जितने भी मटेरियल बॉडी हैं उसमें हीट ग्रहण करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। ये डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर होगा, वहां हम लोग को पता चल जाएगा कि हाउ टेम्परेचर हम लोगों को अमाउंट ऑफ हीट का जानकारी देता है। लेकिन भाई साहब, इसके लिए आपको चाहिए टेम्परेचर को मापना। जब तक आप टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते तब तक ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए हम लोगों को जाना चाहिए कहाँ, स्केल, जो पैमाना है, कितने पैमाना है उसके बारे में 1 बाय 1 जानकारी लेंगे। और इसका रेफरेंस पॉइंट जो कहा गया वो क्या है, इसके तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का माप कैसे किया जाता है। तो कुछ विशिष्ट जो है पैमाने हैं, और इन एनी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जितने भी स्केल्स हैं वहां 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं जो कि कंसीडर किया गया। पहला नंबर 1 इज द आइस पॉइंट, बर्फ जहां मेल्ट करता है कितना डिग्री पर। तो अभी तो फिलहाल आप तुरंत बोल देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्केल है ना। जैसे बोलते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ठंडा है ना तो बोले सुनने में मिलेगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसी जो हम लोग बोल देते हैं। हालांकि देखिए, स्केल्स हम लोग उनके लाइफ के लिए जरूरी है, सब बच्चा लोग जितना भी है सभी लोग बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये आया कैसे, क्या है। सबसे पहले ये एक स्केल है, एक पैमाना है जिसके जरिए हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और इसमें से 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होता है, निर्धारित बिंदु जहां कम से कम तापमान मापे। और वो है, चूंकि ये एक कोई कारण नहीं, सीधा इजीली अवेलेबल था, इसीलिए ये मानदंड तय किया गया। जैसे सबसे आसान पानी है ना, आइस, लोअर फिक्स पॉइंट इसको बोला गया, लोअर फिक्स पॉइंट, एंड अदर इज स्टीम पॉइंट, पानी को खलाइए, है ना, जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा उस वक्त का तापमान
जो होगा वो है स्टिंग पॉइंट, जिसको कहा गया यूएफपी अपर फिक्स पॉइंट। जनरली दीज पॉइंट्स आर फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जब पानी जम जाए, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है, विशुद्ध पानी। पिछले क्लास में बोले थे रेन वाटर इज प्योर वाटर, जहां मन बुझाए वहां ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो रेन वाटर इज प्योर वाटर, और ये जो निर्धारित किया गया वो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर निर्धारित किया गया, अर्थात जब पानी फ्रीज कौन प्योर वाटर फ्रीज कर रहा हो उस वक्त का प्रेशर 180 एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। उस वक्त का जो तापमान लिया गया है ना, वो जो रेफरेंस लिया गया वो था आइस पॉइंट, और जो वाटर बॉयल स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है तो वो कहा गया क्या बॉइलिंग पॉइंट। और ये दोनों जो निर्धारित किया गया वो कितने एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, 180 m। ठीक, अब आते हैं, इसका और भी कन्वर्सन होगा, लेकिन फिलहाल आप जानिए कि ऐसा कम से कम तापमान का जो रेंज रखा गया वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 यानी बर्फ जहां फ्रीज करता है या मेल्ट करता है, और या नहीं तो वाटर जब वाटर वेपर में बदल रहा हो। ज्यादा भी दिमाग का घोड़ा दौड़ाने से कोई फायदा नहीं, आगे सब कुछ अपने वन बाय वन क्लियर हो जाएगा। तो सीधा समझना है भाई, ये लोग कम से कम तापमान यानी आइस वाला मेजर किया जो मेल्टिंग आइस था, और बॉइलिंग वाटर, लेकिन उस वक्त एटमोस्फेरिक टेम्परेचर का प्रेशर का मान 180 m रखा गया। सारे बच्चे जान रहे होंगे 180 m, नहीं तो आगे फिर आपको इस पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, है ना। पास्कल में इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं हम लोग, और ये जो है इसी को कहा जाता है रेफरेंस पहचान बिंदु, कहां से कहां तक, रेफरेंस पॉइंट मतलब पहचान बिंदु, नीचे आइस ऊपर यानी मेल्टिंग आइस एंड बॉइलिंग वाटर। अब आता है यानी यहां दो रेफरेंस पॉइंट हो गया, सीधी सी बात, कम से कम आपको 180 m में लेना है जहां बर्फ जो है बनता है, फ्रीज करता है पानी प्योर वाटर, और प्योर वाटर वाटर वेपर में चेंज करता है, लेकिन उस समय का प्रेशर 180 m यानी 1 एटॉमिक 80 m प्रेशर होना चाहिए। तो देखते हैं यहां क्या है, अब आता है डिफरेंट स्केल्स और रेफरेंस पॉइंट की चर्चा। अब आते हैं सम कॉमनली यूज्ड टेम्परेचर स्केल, कुछ कॉमनली यूज्ड जो दैनिक जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पैमाने की बात की जाए। पहला कॉमन, हर कोई इसके इसका नाम लेता है सेल्सियस स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री का मतलब होता है स्तर, है ना। ये दरअसल आपको टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं डिग्री, डिग्री लेवल, है ना। जिंदगी में भी डिग्री होता है, मैट्रिक लेवल, मैट्रिक का डिग्री हुआ, इंटर का डिग्री हुआ, आगे बढ़ते चले जाए डिग्री का एग्जाम, है ना। तो यहाँ जो है डिग्री का मतलब हुआ स्तर, यहाँ हुआ हीट का स्तर, ये दो, जैसे जैसे हीट देते हैं स्तर क्या होता है बढ़ता चला जाता है। सो दिस स्केल वाज डिजाइन बाय एंडर सेल्सियस, है ना। ये जो है आइस आपको बताएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, फ्रीज कर रहा है प्योर वाटर, और प्योर वाटर बॉइल हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका मतलब हुआ इसका लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब हुआ कि जो स्पेस रहेगा, यानी ये जो स्केल बनाया गया, जरा सा इसको हम लोग देखते हैं, ये स्केल जो बनाया गया उसमें से क्या था, आगे हम लोग एक आर्बिट्रेरी थर्मोमीटर पढ़ेंगे, उसमें से आपको दिखाया जाएगा कि एक कैपिलरी ट्यूब लिया जाता है केसनरी, है ना। इसका डायमीटर बहुत 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 छोटा रहता है, इसके नॉब को हम लोग प्लैटिनम आयरिडियम से इनक्लोज करते हैं, है ना, और इसके अंदर जो है एयर नहीं रखा जाता है। तो यहां आप ध्यान देंगे इसको, ठीक, ये जो है ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक कितने भाग में बटा हुआ रहता है, तो 0 से लेकर के 100 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में डाला हुआ रहता है, क्या पारा प्योर Hg। तो यहां समझना है कि ये इसका जो कैलिब्रेशन किया जाता है, बनावट जो होता है कैपिलरी ट्यूब का, उसमें से 100 डिवीजन होता है, कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100 आने। इसका सीधा अभी सीधा ध्यान रखना है, लोअर फिक्स पॉइंट का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर फिक्स पॉइंट का मान
100 डिग्री, यानी जो देखेंगे आइस वाला, और मेल्टिंग फ्रीजिंग आइस एंड बॉइलिंग वाटर, तो बॉइलिंग वाटर बताएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये फ्रीजिंग आइस बताएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बॉइलिंग वाटर बताएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बॉइलिंग वाटर में डालिए तो ये आपका रीडिंग देगा, ये इसका रीडिंग देगा 0। अब आता है दूसरा नंबर फॉरेनहाइट स्केल, है ना, ये ज्यादा प्रचलित है, हम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये स्केल जो होता है, दिस स्केल वाज डिजाइंड बाय फॉरेनहाइट, ये ब्राइल फॉरेनहाइट पूरा नाम था, है ना, ये डिफाइन सारे, ये पानी जो प्योर वाटर फ्रीज करता है उसका टेम्परेचर आपको बताएगा 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और अपर यानी बॉइलिंग प्योर वाटर को बताएगा 212 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी 32 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री का जो कैलिब्रेशन पूरा कैपिलरी ट्यूब का किया जाता है, उसमें से ये रहा आइस पॉइंट, है ना, आइस पॉइंट जिसको हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट भी बोले हैं, और ये रहा बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट भाई, प्योर वाटर, है ना, कितना प्रेशर पर, 180 एम पर, और यहां ये इसका जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो 100, खाली घटा देना, देखिए अपने निकल जाएगा, याद रखने का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपने याद आ जाएगा, 180 इक्वल पार्ट 180 इक्वल पार्ट्स हो गया, यानी पहले वाले का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड जो था वो उसमें से फ्रीजिंग पॉइंट जो था लोअर फिक्स पॉइंट बता रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपर फिक्स पॉइंट बता रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बता रहा है कि भाई आइस जो फ्रीज करेगा प्योर वाटर का वो है 32, और प्योर वाटर बॉइल करेगा 180 एम प्रेशर पर वो है 212 यानी 212 डिग्री फॉरेनहाइट, इसमें से इंटरवल जो है ये कैपिलरी ट्यूब का वो 180 का किया गया, सीधे माइनस कर देना है इसमें से, इसको माइनस कीजिए सीधा आंसर निकलता चला जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है द केल्विन स्केल, ये लॉर्ड केल्विन का बनाया हुआ है, और इसमें सबसे पहला बात, इन द रिगार्ड ऑफ लॉर्ड केल्विन आप डिग्री शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पहले ही प्रोविजन प्रोहिबिट कर दिया गया। द केल्विन स्केल, दिस स्केल वाज डिजाइन बाय लॉर्ड केल्विन, इंग्लैंड का आदमी था, और इंग्लैंड के आदमी को अगर लॉर्ड उपाधि मिल रही है इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है वो, है ना, डिफाइंस द आइस पॉइंट टेम्परेचर आनी जो प्योर वाटर फ्रीज करता है इसके अनुसार कितना पर करेगा, 200 यानी 273.15 केल्विन, एंड स्टीम पॉइंट जो होगा अर्थात प्योर वाटर जो बॉइल करेगा वो है 373.15 केल्विन, दोनों के बीच में स्पेस जाहिर सी बात है, इसको राउंड नंबर में लेंगे 373.15 को छोड़िए और सीधा जो है, वैसे भी इसको माइनस करेंगे तो आपका इसमें पता चलेगा कि 100 इक्वल पार्ट्स जो इसका कैपिलरी ट्यूब अभी जो दिखा है वो कैपिलरी ट्यूब जिसमें से इस स्केल को कंफर्म किया गया बनाया गया है ना, तो उसमें से ये कैपिलरी ट्यूब को कितने हिस्सों में बांटा गया, तो यहां देखिए फंडामेंटल, इसको इंटरवल भी बोलते हैं, है ना, इसको फंडामेंटल इंटरवल भी बोलते हैं, तो ध्यान रहे कि यहां जो है ये करीब करीब जो दिखाया गया है, करीब नहीं लेना है, ले जब भी आप माइनस करेंगे 373 में से 0.15 273.15, तो यहां 100 इक्वल इंटरवल्स में बांटा गया, इसीलिए ये अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट को घटाते हैं, तो इसी को कहा जाता है फंडामेंटल इंटरवल, और फंडामेंटल प्रत्येक इंटरवल का मान यहां 1 केल्विन होता है। एक बात यहां ध्यान देना है, केल्विन इज द, यहां जो केल्विन इज द एसआई, ये ध्यान देना है कि केल्विन जो होता है वो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है, फॉरेनहाइट एपीएस यूनिट में रखा गया है। अब यहां एक बात आगे भाई, जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यहां प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, पहले ही आपको यहां सूचित कर दिया जा रहा है कि ये जो केल्विन में यानी टेम्परेचर जो है कैन नेवर बी नेगेटिव इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है,
एक बात और इंफॉर्मेशन देना है कि इसमें भी 100 इक्वल पार्ट्स है और सेंटीग्रेड वाले में भी 100 इक्वल पार्ट्स था। जरा सा देख लेते हैं, ये देखे 100 इक्वल पार्ट्स यहां भी है और हम लोग यहां भी देखेंगे 100 इक्वल पार्ट्स। इसीलिए जो टेम्परेचर डिफरेंस दो बॉडी का निकाला जाता है एक ही थर्मामीटर से, तो जो रीडिंग आपको देगा डिफरेंस में सेल्सियस वही रीडिंग देता है केल्विन, क्योंकि जिसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा, इक्वल फंडामेंटल इंटरवल रहेगा, तो ऐसी घटना घटेगी। तो आगे इस पर हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे। फिलहाल अगले की बारी है और अगला है रिमर स्केल। दिस स्केल वाज डिजाइंड बाय रिमर। ये डिफाइन करता है क्या आइस पॉइंट कितना 0 डिग्री रिमर पर और 80 डिग्री रिमर पर क्या करेगा। स्टीम पॉइंट बॉइलिंग वाटर को डिफाइन करता है। वेरी सिंपल, दोनों के बीच में जो स्पेस होगा वो 0 डिग्री रिमर से लेकर के, तो घटा दीजिए 80 - 0 क्या हो जाएगा 80 इंटरवल इक्वल पार्ट्स में आने, इसकी जो कैपिलरिटी है वो बराबर 80 इंटरवल में बटा हुआ होता है। अब लास्ट वाले में आते हैं, देखते जाना है किसका अपर फिक्स पॉइंट है, किस कितना है, कितना लोअर फिक्स पॉइंट है, यही काम आएगा हम लोगों को। बाकी तो हम बोल ही चुके हैं कि एक हम लोग आर्बिट्ररी स्केल भी बनाने वाले हैं, कोई भी इसको बना सकता है, थोड़ा सा कंसेप्ट रहना चाहिए। नंबर एक ये है, डिजाइन किया गया था विलियम रैंकिन के द्वारा और ये आइस, हाँ भाई, प्योर वाटर जो फ्रीज होगा उस टेम्परेचर का मान 180 एम पर 492 डिग्री रैंकिन बताता है और वही बॉइलिंग वाटर एट 180 एम 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर ये बताएगा 672 डिग्री रैंकिन। द स्पेस बिटवीन ये वाला जो है, देखिए ये मैच कर जाएगा आपका 180 माइनस कीजिए कितना 672 डिग्री रैंकिन में से घटा देंगे 492, यू विल गेट 180 इक्वल इंटरवल्स। यानी इसमें से क्या है कि आइस जो यानी प्योर वाटर जो फ्रीज करता है 180 एम पर, वो है प्रेशर का मान 180 एम होना चाहिए, तो ये रीडिंग आपको बताएगा कितना 492 डिग्री रैंकिन। और बॉइलिंग वाटर जो प्योर वाटर बॉइल करेगा उसका रीडिंग आपको बताएगा कितना 672 डिग्री रैंकिन। अब इसका अगर फंडामेंटल इंटरवल देखें तो मिल रहा है किसे, फॉरेनहाइट से। जरा चेक करते हैं सही है कि नहीं, पीछे आते हैं कहां गया फॉरेनहाइट, ये केल्विन हो गया, सेकंड नंबर में है। देखिए यहां आपको मिल जाएगा फॉरेनहाइट। बस कुछ नहीं करना है, केवल इसके अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट को ध्यान में रखना है। अपर फिक्स पॉइंट का मतलब हुआ कि जब प्योर वाटर वाटर वेपर में यानी स्टीम में बदलता है और यहां जो है फ्रीजिंग यानी प्योर वाटर जब फ्रीज करके आइस में परिणत होता है। तो ये था 5 स्केल और यही 5 स्केल हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अब इसका हम एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं, देखिए ये रहा, ये हो गया, ये है आपका रेंज जो बताया गया है, यहां है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यानी हम बात कर रहे हैं ये नीचे वाला लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, ये अपर फिक्स्ड पॉइंट है, कहने का मतलब स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट का मतलब हुआ 180 एम प्रेशर पर प्योर वाटर जब बॉइल हो तो वो अपर फिक्स्ड पॉइंट के रूप में यहां हम लोग सारे स्केल में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले से किया हुआ है, हम लोग तो सिर्फ उस पर यूज कर रहे हैं, है ना। अब पुराना आदमी इतना भी कर दिया बहुत है, आज का आदमी भी इतना भी नहीं सोचता है, इतना बात समझिए कि बहुत कुछ किया हुआ है। तो सबसे पहले आता है सेंटीग्रेड लोअर आनी, इसमें आइस जो प्योर वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और प्योर वाटर बॉइल करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन प्रेशर का मान याद रहे। बार बार इसको हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम जब स्टैंडर्ड बनाइएगा तो आपको प्रेशर डिस्टर्ब करने वाला है। फॉरेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट बताएगा 32 डिग्री फॉरेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर बताएगा 212। यहां बाबू साहब ये केल्विन है ना, हालांकि 15 ले सकते हैं, मत लीजिए फ्रैक्शन में कहीं कहीं,
अब ऐसे भी 15 यहां 15 यहां, तो माइनस करेंगे तो 100 यहां भी सब में। यहां देखिए अपर फिक्स पॉइंट ये रहा, फिर यहां रैंकिन का बात किया गया था है ना, ये 492 डिग्री रैंकिन बताएगा। आइस मेल्ट यानी फ्रीजिंग आइस का, जब वाटर जो है प्योर वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तब, और ये रहा बॉइलिंग वाटर का। रीमर ये भी आया था जीरो, ये बताएगा जीरो डिग्री रीमर किसका जी, तो फ्रीजिंग वाटर जो प्योर वाटर फ्रीज कर रहा है उसका, और 80 डिग्री रीमर अपर फिक्स पॉइंट। ये एक जगह इकट्ठा है, आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं और ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि कैलिब्रेशन अगर हम लोग करते हैं आर्बिट्री थर्मोमीटर का तो कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये थर्मोमीटर ये स्केल्स जो हैं वो डिसाइडेड है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा एक दो बार रिपीट करेंगे या न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब आता है ये जो स्केल्स होते हैं ना, तो हम लोग ये आर्बिट्री में पढ़ेंगे ना, फालतू काम करने से कोई फायदा नहीं, ये फॉर्मूला निकल जाएगा और ये फॉर्मूला आर्बिट्ररी फॉर्मूले से लिंक्ड है। तो थर्मामीटर जाने के पहले हम लोग इसमें से क्या करेंगे, एक सूत्र आएगा फॉर्मूला टी बराबर ए एल प्लस डी है ना, तो इसे ये फॉर्मूला निकाला जा सकता है ठीक। और जबरन ग्राफ रॉप से निकालने से कोई फायदा नहीं, दो का ग्राफ बनाएंगे तीसरे में गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सबका रेंज देखने अलग अलग है तो ये सब होता नहीं है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग आर्बिट्ररी स्केल जब बनाएंगे तब पता चलेगा, आर्बिट्ररी स्केल का निर्माण होगा उस दिन पता चलेगा। इसी से फॉर्मूला आपका है कि कोई भी स्केल जो एक्सप्रेस किया जाता है ना, टेम्परेचर रेट बाय स्केल कैन बी एक्सप्रेस बाय कोई भी, तो सबसे पहले क्या रीडिंग है आपका, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट यानी आइस पॉइंट उसमें से घटाना है, इसके बाद अपर फिक्स पॉइंट मतलब स्टीम पॉइंट, और फिर लोअर फिक्स पॉइंट क्या बोला गया, जैसे मान लिया जाए डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसका हम लोग सी ले लेते हैं, हो गया। अब सी मान रहे हैं कि रीडिंग है, लोअर फिक्स पॉइंट कितना हो गया, जीरो हो गया, अपर फिक्स पॉइंट कितना है, 100 है, और लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, जीरो है। तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, और ये फॉर्मूला आज से नहीं पहले क्लासेस से है, तो फिर भी इसको हम लोग अगले एक्सपेंशन के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए अभी जो है पहले क्लास से कनेक्ट करके ये सारा बात बताया जा रहा है। तो आप निश्चित रहिए, कहां से आता है ये भी पता चल जाएगा ठीक है। तो यहां जो बोल रहा है ना उसके अनुसार, इफ सी इज द रीडिंग इन सेंटीग्रेड स्केल है ना, तो रीडिंग में से लोअर फिक्स पॉइंट घटाना है, फिर अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट करना है। ये है आपका सूत्र, हर जगह पूरे में इसी को लागू करना है, यानी जितने भी स्केल्स हैं, जैसे यहां हो गया रीडिंग माइनस जीरो और यूएफपी 100 माइनस जीरो, यहां देखिए रीडिंग एफ ले लेंगे है ना, इसमें सी लिया गया, इसमें से हम लोग एफ कंसीडर कर लेंगे, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये के हो गया, ये आर एन मान लेते हैं और ये आर मान लेते हैं। तो यहां सी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 100 माइनस जीरो कर देंगे, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, ये वाला भी उसी तरह से करना है, के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273, यहां भी वही करना है, सेम फॉर्मूला सब में इस्तेमाल करना है। और ये फॉर्मूला हम लोग को आर्बिट्ररी थर्मोमीटर आर्बिट्ररी स्केल बनाते समय मिल जाएगा। तो यहां फिलहाल आपको यूज करना रहता है। अब आते हैं, हाँ ये जबरदस्ती बराबर नहीं करना है, देखिए यहां क्या है, कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी ऑफ डिफरेंट स्केल्स। मान लिया जाए कि हम लोग पांचों स्केल्स के थर्मामीटर जो बनाने वाले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, एक टब में डाल देंगे पांचों एक बार, 1 2 3 4 5 है ना, सब थर्मामीटर 1 2 3 4 5 सब डाल दिए है ना। अरे भाई सिंपल सा बात है कि सभी अपना अपना जो है टेम्परेचर स्केल अपना अपना रीडिंग बताएगा,
भाषा अलग होगी, लेकिन क्या जिस टब में इसको डुबाया गया है उसका रीडिंग गलत हो जाएगा? जैसे वाटर हुआ है ना, तो अंग्रेज कहेगा वाटर, हम लोग कहेंगे पानी, और लोग कहेंगे जलम, कोई दूसरा जो अरबी भाषा जानने वाला है वो आप कहेगा, तो आप कहेगा तो आग तो थोड़ी ही बनने वाला है, नहीं? तो सीधा समझना है कि भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर जो होगा वो समान होगा, कहने का अंदाज अलग हो सकता है लेकिन ये बदलेगा नहीं। तो इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी ऑफ डिफरेंट स्केल। व्हेनेवर सारे स्केल्स के जो मेजरेबल डिवाइस हैं, मेजरिंग डिवाइस हैं, उसको एक ही टब में डाल दें तो सारे स्केल्स अलग अलग भाषा में जवाब दे सकता है, लेकिन इसका जो मटेरियल का टेम्परेचर या लिक्विड का टेम्परेचर है वो तो नहीं बदलेगा, भाषा बदल जाएगी। जैसे यहां बोले है ना, एक बोले अंग्रेज बोल रहा है वाटर, हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं पानी, ठीक। इसके बाद में पंडित जी बोल रहे हैं जलम, और अरबी भाषा जानने वाला बोल रहा है आप, तो ऐसा थोड़ी है कि पानी का जो हम लोग जान रहे हैं वो लिक्विड तुरंत चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे भाषा बदल रही है वैसे वैसे चेंज तो होगा नहीं, वो तो वाटर ही रहेगा। तो सिंपल लॉजिक इसको रखना है कि सारे जो स्केल्स हैं अगर एक ही लिक्विड में वो दिया जाए तो उसकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन मटेरियल का टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसी सूत्र यानी इसी पर क्या कर सकते हैं कि इसी जैसे टब का बात आया तो हर जगह यही होगा। देखिए क्या होगा, यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल कैन बी कन्वर्टेड। जैसे एक में टेम्परेचर स्केल लोअर फिक्स पॉइंट है ना, एक में रीडिंग लोअर फिक्स पॉइंट, दूसरे में फिर वही देखे नीचे बराबर दूसरे में, चूंकि एक ही टब में सब डुबोया हुआ है, जितने भी एक दो तीन चार पांच स्केल थे सब एक ही में डुबाया हुआ है, और सबके लिए सूत्र क्या था, टेम्परेचर ऑन स्केल वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट है ना, स्ट्रिंग पॉइंट या अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये जो है यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कहा जाता है फंडामेंटल इंटरवल, फंडामेंटल इंटरवल। तो ये सबका जो है रीडिंग वो अलग अलग भाषा में हो सकता है लेकिन डिफर बिल्कुल नहीं होगा। अब आता है इन सिंपल टर्म्स द टेम्परेचर मेजर्ड बाय डिफरेंट स्केल्स इज गिवन एज। देखिए जैसे क्या हो गया, यहां देखेंगे है ना, सी माइनस जीरो, यहां ध्यान देना है सी माइनस जीरो, यानी सी रीडिंग मान लिया गया सेल्सियस में, लोअर फिक्स पॉइंट जीरो, हंड्रेड माइनस जीरो बराबर हंड्रेड आ गया, एफ माइनस लोअर फिक्स पॉइंट है ना, लोअर फिक्स पॉइंट एफ माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यानी यहां देखिए सामने में सूत्र है, इसी पर यहां बैठाते चले जाइए, सी रीडिंग हो गया सेल्सियस में, एफ रीडिंग हुआ फॉरेनहाइट में, के रीडिंग हुआ केल्विन में, आर रीडिंग हुआ रेमर में, और आर एन हो गया रैंकिन में। रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट हंड्रेड माइनस जीरो, हंड्रेड में से जीरो मतलब हंड्रेड है ना, ठीक, एम माइनस थर्टी टू, और यहां जो है टू ट्वेल्व है ना, 212 घटाओ में करना है 32, तो आएगा आपका 180 डिग्री, वन ये हो गया, के माइनस 273 और 373 यानी 373 माइनस 273 इज इक्वल टू 100। ये नीचे फंडामेंटल इंटरवल है, ऊपर आप माइनस करते चले जाए, ये कांस्टेंट हो गया। और भी अगर शॉर्ट करना है तो इसका और भी उपाय है, यहां हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा सी 100 है ना बराबर एफ माइनस 32 बाय 180 बराबर के माइनस 273 बटा में 100, और ये हो गया आर बाय 80 और ये हो गया आर एन माइनस 492 बाय 180। अब इसमें से 20 अगर कॉमन ले लेंगे 1/20 है ना, 1/20 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 1/20 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो 120 अगर कॉमन हम लोग ले लेंगे, 120 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 120 जैसे कॉमन लेंगे तो हम लोगों के पास क्या आने वाला है, c/5 ना, देखिए तो यहां
1/20 ले लिए कॉमन, 1/20 कॉमन लेंगे, ये 20 जाएगा इधर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अनदर कॉन्स्टेंट यहाँ लिखा हुआ 1/20 कॉमन लेंगे, C/5 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो, 0 हो जाएगा, 9 बचेगा, ठीक, 105 हो गया, ये देखिए 4 हो गया, ये हो गया 9, और ये 20 अगर इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट इंटू आने ये 20 कॉन्स्टेंट इंटू 20 हो गया, जिसको हम लोग अनदर कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा। अब आते हैं अगला, सिमिलरली इन सिंपल टर्म्स द टेम्परेचर डिफरेंस मेजर्ड बाय डिफरेंट स्केल इज गिवन बाय, ये रहा देखिए, अब इसको समझना है, ठीक, समय समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए कि एक स्केल से हम लोग टेम्परेचर दो लिक्विड का मेजर कर रहे हैं, है ना, जैसे एक में लिए यहां पकड़ते हैं क्योंकि सी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो एक में जैसे रीडिंग आया F1-32 और ये 180 आया, दूसरे में आया F2-30 दूसरे लिक्विड का, ये आया 180, है ना। अब इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो यहां खेल क्या होने वाला है, देखिए दोनों में से 180 आ गया LCM, ठीक, F1-32 माइनस F2 और माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा, ये देखिए 32 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं F1 F2 by 180। तो कहीं भी जो लोअर फिक्स पॉइंट अंक में था, जैसे यहां था 32, यहां था 273, यहां तो नहीं था, जीरो था, है ना, जहां जहां जीरो है उसका तो सवाल ही नहीं, यहां 492 था, तो ऐसे करने से क्या होगा, देखिए आपका F1-F2 180 आ जाएगा। तो कहीं भी आप इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं C1/C2 यानी C1-C2 डिफरेंस, अगर दो लिक्विड को एक ही थर्मामीटर से मेजर किया जा रहा है तो दोनों में अंतर अगर निकालना है तो इस तरह से माइनस करते चले जाएंगे, और C1-C2 यहां इसको सॉर्ट कर सकते हैं, अनदर कॉन्स्टेंट लाया जा सकता है, तो ये बहुत आसान है, यहां सामने में करके दिखा दिए कि एक लिक्विड का रीडिंग ये है लिक्विड नंबर 1 और ये रहा लिक्विड नंबर 2, दोनों को फारेनहाइट स्केल से हम लोग मेजर किए हुए हैं, जान रहे हैं। अब इन दोनों का अंतर निकालने जाएंगे तो F1-F2 डिवाइडेड बाय 180, ये आपका सूत्र हो गया जो टेम्परेचर डिफरेंस में एकदम फर्स्ट क्लास एडजस्ट करेगा। ये देखिए ये बहुत सारा चीज हम लोग इसमें से सॉर्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहां और सिंप्लीफाई करते हैं, C1-C2 एल्जेब्रिक नंबर का डिफरेंस जो होता है डेल्टा से दर्शाया जाता है, तो यहां आप लोग लिख सकते हैं डेल्टा C/5 डेल्टा F/9 ये डेल्टा K/5 और डेल्टा R/4 और डेल्टा RN/9। अब कभी भी जब डिफरेंस जो होगा ना सूत्र निकालने में बड़ी आसानी होता है, जैसे मान लिया जाए डिफरेंस के बीच में यानी डिफरेंस इनटू द सेल्सियस एंड डिफरेंट इनटू द डिफरेंस इनटू द फारेनहाइट, तो आप आराम से, चूंकि ये इक्विवेलेंस है, ये बता रहा है भाई कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी से, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी से ये बात हम लोग को पता चला है, तो डेल्टा C/5 इज इक्वल टू डेल्टा F/9, और जब आप चाहिए उलट पुलट करके इसमें से ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा F/9 और डेल्टा C आपको चाहिए तो 5/9 करें और डिफरेंस इन फारेनहाइट, अगर आपको फारेनहाइट में चाहिए तो यही हो जाएगा 9/5 उलट जाएगा इधर डेल्टा C हो जाएगा। तो ये डिफरेंस के लिए है, ध्यान रहे ये डिफरेंस के लिए है, जब रीडिंग की बात आएगी तो वहां आपको 32 माइनस करना पड़ेगा। अब आता है इस पर कुछ प्रॉब्लम, ठीक, चले देखते हैं। अब यहां जैसे दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री फारेनहाइट इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन केल्विन, ठीक। सबसे पहला ये दिया हुआ किसमें है, एफ दिया हुआ है ना, तो एफ को कन्वर्ट करना है किसमें, पहले नंबर में, पहला नंबर कह रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, चलो करते हैं देखते हैं। यहां देखिए क्या है,
एफ माइनस 32 या जिसमें बदलना है उसको आप पहले लिख दीजिए, सबसे बेहतर होगा, है ना। तो यहां जैसे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी सी बाय 100 और एफ माइनस 32 बाय 180 आपको शॉर्ट में निकालना है, तो इसको कट कर दीजिए, 5 कर दीजिए, ये 9 हो गया, और सी बाय 5 बराबर एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ क्या हो जाएगा, c बराबर c में कन्वर्ट करना था तो 5 बाय 9, और ये रहा f माइनस 32 शॉर्ट हो गया। आप इसको सूत्र की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। अब इसमें से हम लोग बैठा देते हैं c इज इक्वल टू 5 बाय 9, और यहाँ माइनस करना है, दिया हुआ कितना है फॉरेनहाइट में, दिया हुआ है 60 डिग्री फॉरेनहाइट में से घटाना है 30, अब चूंकि ये कन्वर्ट हो रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यहां आपका आ जाएगा 5 बाय 9 और ये रहा 28। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, 40 हो गया, 8 बचे 40, 5 दूनी 10 और 8 बचे 40, 4 हो गया, 5 दूनी 14 हो गया, 140 बटा में 9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको आप डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 15.55 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया, कन्वर्ट हो गया, ये है आपका आंसर। अब इसको बदलना है, कह रहा है कि इसी को बदल देना है केल्विन में। अब इसमें से अगर आप जाते हैं फिर फॉरेनहाइट तो वो लंबा हो जाएगा, फिर इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कर सकते हैं हम लोग फॉरेनहाइट आनी, यहाँ आपको देना पड़ेगा के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100, फिर तो करके देख लेते हैं, वहां से भी शॉर्ट हो जाएगा, है ना, कैसे, एक हो गया दूसरा नंबर, ऐसे कर सकते हैं। एफ यहां जो है केल्विन में बदलना है तो आप के वाला पहले टर्म लिखिए, के माइनस 273.15 बटा में फंडामेंटल इंटरवल 100 है, एफ माइनस 32 बाय 180 कट हो गया है। अब यहां जो है ये हो गया 9, ये हो गया 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो k माइनस 273.15 और बटा में 5, और इधर हो गया f माइनस 32 और डिवाइडेड बाय 9। अब यहां क्या होगा कि वही इक्वेशन आ गया, जैसे मान लिया जाए k माइनस 273.15 आ गया, और इधर ये देखिए आपका आ रहा है 5 बाय 9 और f माइनस 32। तो भाई साहब अभी तो सॉल्व किए हम लोग ना, इसको सॉल्व किए हुए हैं, इतना का मान अभी सॉल्व किया हुआ है, कितना आया 15 पॉइंट, यानी यहां जो आया है आपका 15.15। तो फिर ये तो बेवकूफी वाला बात हो गया ना, फिर इसको हम लोग क्यों सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, के बराबर इसका वैल्यू देखिए, के माइनस 273.15 बराबर कितना है 15.1 यानी 15.55। अब इसको ऐसे ले जाएंगे तो यहां आकर के प्लस हो जाएगा, नहीं यहां ऐसे करके इसको प्लस कर देते हैं, यानी के इज इक्वल टू जोड़िए कितना 273, यानी कितना आ गया 288.7 केल्विन। आप इसको बैठा सकते हैं, आप दोबारा यहां कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये वाला जो कैलकुलेशन किया हुआ है हम लोग का, दरअसल यही वाला कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए यहाँ थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम कर लेंगे, है ना, और ये वाला यहाँ बैठा दीजिएगा, इधर से माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा। तो दोबारा कैलकुलेट करने से कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम में, चले दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसको लाते हैं। The temperature of an iron piece is raised from 30 degree centigrade to 90 degree centigrade. What is the change in its temperature on Fahrenheit and Kelvin scale? Yes, इसमें से बोला जा रहा है कि temperature of iron piece है जो change हो रहा है, degree centigrade में change दिया हुआ है, एक ही बड़ी का है, पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, गर्म किया तो 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसका मतलब यहां चेंज इन
सी, तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सी वन माइनस सी टू करेंगे और 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा आ गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बड़ा अभी तुरंत हम लोग जो है इस पर काम किए हुए हैं, है ना, तो ये बोल रहा है ना कि व्हाट इज द चेंज इन इट्स टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट एंड ऑन केल्विन स्केल। तो अभी क्या बताया गया था, देखिए डेल्टा सी बाय फाइव, है ना, आप पहले वाला में फारेनहाइट हाइट में जाएंगे तो एफ बाय 9 था, है ना, क्योंकि 32 था नहीं, कैसे किए हुए थे एफ वन माइनस एफ टू, तो ऐसे अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एफ वन माइनस 32 बाय 180 हो गया और माइनस एफ टू माइनस 32 बाय 180, ठीक। आप डिफरेंस जब निकालेंगे तो एफ वन माइनस 32 बाय 180 और पूरे में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, 180 एलसीएम हो गया, एफ वन माइनस 32 माइनस एफ टू और माइनस माइनस प्लस, तो जो लोअर फिक्स पॉइंट वाला रहेगा ना वो आपका कट जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा एफ वन माइनस एफ टू बाय 180 हो गया। ये सूत्र पहले से निकाला हुआ है, अब यहां केवल बैठा देना है, हम लोगों को डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ था, अब फारेनहाइट में निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इस जगह से हम लोग इसको सीधा हटाते हैं। अब सीधा जैसे यहां लिखना है हम लोगों को निकालना है डेल्टा एफ का मान, तो इसको क्रॉस कर देते हैं और जैसे क्रॉस करेंगे हम लोगों को मिल जाएगा, क्या मिलेगा देखिए, चलिए आते हैं, डेल्टा एफ बाय 9 बराबर डेल्टा सी बाय 5 और डेल्टा एफ इज इक्वल टू 9 बाय 5 इंटू डेल्टा सी। तो डेल्टा सी का मान कितना है भाई, ये देखिए है ना 60 डिग्री हम लोग यहां बैठा देंगे, डेल एफ इज इक्वल टू 9 बाय 5 इंटू 60 डिग्री फारेनहाइट, है ना, काट दीजिए 12 108 हो गया डिग्री फारेनहाइट आ गया आंसर पहले का, ये है आपका किसमें, तो फारेनहाइट में, तो चेंज वाले में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है और ये आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट में चलते हैं, इसी में है दूसरा नंबर और दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं, दूसरा नंबर में कह रहा है कि केल्विन स्केल में क्या होगा भाई, ठीक है तुरंत निकालते हैं, दूसरे में डेल्टा के बाय 5 कर देंगे, है ना, और तो इसमें तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा है क्योंकि फंडामेंटल इंटरवल बराबर रहता है, फंडामेंटल इंटरवल में डिफरेंस एकदम वही रहेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए डेल्टा सी बाय 5 5 5 सही हो गया, बचेगा कितना डेल्टा सी बराबर डेल्टा के, यानी डेल्टा के का मान देखिए कितना निकला है डेल्टा सी और डेल्टा के का मतलब हुआ 60 केल्विन, क्योंकि अब केल्विन में बदल चुका है तो आप नहीं लिख सकते डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपका ये भी निकल गया। अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं इसको भी, ये है आज द एन आर्बिट्ररी स्केल हैज द आइस पॉइंट एट -20 डिग्री एंड अ स्टीम पॉइंट इज एट 180 डिग्री, इफ द थर्मोमीटर रीड्स 5 डिग्री देन फाइंड द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। अब पहले सबसे पहले क्वेश्चन पूछना, एक ऐच्छिक स्केल लोगों ने बनाया जिसका आइस पॉइंट यानी लोअर फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, देखिए ये है लोअर फिक्स पॉइंट और ये है अपर फिक्स पॉइंट, अब है कि ये रीड कर रहा है कितना 5 डिग्री, तो वो रहा है देन फाइंड द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, यानी कंपैरिजन करना है। एक काम करते हैं हम लोग जो आर्बिट्ररी थर्मोमीटर लिए हुए हैं यानी यहां जो बताया गया है, पहले तो सी वाला लिखना है, तो एक काम करते हैं सी माइनस जीरो अपर फिक्स पॉइंट है 100 माइनस 0, यहां मान लेते हैं इसका रीडिंग आर है आर्बिट्ररी, इसका लोअर फिक्स पॉइंट है 20 डिग्री और
अपर फिक्स पॉइंट है 180 डिग्री और लोअर फिक्स फिर माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो फिर -20 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो बोल रहा है ना कि रीडिंग भी इसमें से दिया हुआ है। आनी जरा सा इस पर काम कर लेते हैं, ये है 180 और यहां हम लोगों को क्या करना है -20 डिग्री। ठीक, रीडिंग का मान 5 डिग्री दिया हुआ है तो ऐसा करते हैं ये रहा C/100 और ये रहा आपका 5 माइनस रीड करने के लिए दिया हुआ है 5 माइनस माइनस प्लस 20 ये रहा 200 नहीं माइनस माइनस प्लस 200 ये आपका चला गया। ठीक, ये चला गया तो आपका बच जाएगा कितना, यानी इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे इस आर्बिट्ररी थर्मोमीटर का रीडिंग तो यहां हम लोगों को आने वाला है काटिए कट जाएगा आराम से निकल जाएगा 1 2 गया है ना, और C बराबर 25/2 मतलब 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। बहुत आसान रहता है, खाली ध्यान देने की जरूरत है। क्या बोला है कि आर्बिट्ररी स्केल हम लोग भी बनाएंगे, आर्बिट्ररी स्केल शौक से बनाएंगे। लोअर फिक्स पॉइंट का मान -20 डिग्री, स्टीम पॉइंट का मान 180 डिग्री। हो रहा है कि अगर ये थर्मामीटर जिसने बनाया था वो -5 डिग्री पड़ रहा है तो ये रीडिंग सेंटीग्रेड में कितना होगा, कंपेयर कर देना फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी। यहाँ सेंटीग्रेड थर्मामीटर लिखे, ये आर्बिट्ररी। ठीक, तो यहाँ जो आपका सी का मान आया क्योंकि आर का मान दिया हुआ था, मान लीजिए आर थर्मामीटर का जो आर्बिट्ररी है एक्चिक जो बनाया गया उसका रीडिंग दिया हुआ था और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके पूछा गया था तो ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में है एक फॉल्टी स्केल हैज इट्स फिक्स पॉइंट मार्क्ड एज 5 डिग्री, यानी एक फॉल्टी थर्मामीटर है, फॉल्टी माने गलत, तो ये 5 जो है वो दिया हुआ डिग्री एंड 95 डिग्री। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज मेजर्ड बाय द फॉल्टी स्केल इज 59 डिग्री, यानी एक गलत थर्मामीटर है, मार्क किया गया है 5 डिग्री, लोअर फिक्स पॉइंट हायर फिक्स पॉइंट यानी अपर फिक्स पॉइंट 95 डिग्री। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी है एज मेजर्ड बाय द फॉल्टी स्केल और रीडिंग भी दे दिया, हद तो हो गया, रीडिंग भी दे दिया है और ये दे दिया है कितना 95, यानी 95 इसका रीडिंग दिया हुआ है। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि भाई द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज मेजर, फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन, फिर वही कहानी जैसे अभी बना है प्रीवियस वाला वैसे ही है। एक काम करते हैं इसका सॉल्यूशन C/100 कर देते हैं बराबर। अब ये फिक्स्ड मार्क दिया हुआ, रीडिंग दिया हुआ है, फिर वही थर्मामीटर मान लेते हैं, इसका रीडिंग आ रहा है लोअर फिक्स पॉइंट 5 हो गया, अपर फिक्स पॉइंट के कुछ सूत्र तो ऐसे है ना भाई साहब, देखिए जरा सा यहाँ, देखिए जरा सा आते हैं, यहाँ क्या है C-0 लोअर फिक्स पॉइंट 100-0, अब यहां लाते हैं, यहां हो गया रीडिंग मान लेते हैं आर है, लोअर फिक्स पॉइंट हो गया, ये हो गया अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, और आप जरा सा देखिए C/100 हो गया, आर का मान 59 दिया हुआ है, -5 हो गया, अपर फिक्स पॉइंट यहां जो है 95, लोअर फिक्स पॉइंट आपका हो गया 5 डिग्री। ठीक, तो यहां आ जाएगा C/100, अब यहां घटा दीजिए तो आ गया 54 और ये रहा 54 और ये रहा 90, 10 कट जाएगा, 6 बार में जाएगा नहीं, अब बचा C/10 = 6, therefore
सी बराबर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह से तापमान था यानी उसी तरह से दिया हुआ था। तो कहीं भी आप इस तरह से फॉर्मूले को एडजस्ट कीजिए, आसानी से इसको हम लोग बना करके निकलते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला बात, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये आपका हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इज देयर एनी टेम्परेचर विच हैज सेम वैल्यू बोथ इन केल्विन स्केल एंड इन सेंटीग्रेड स्केल। आंसर होगा नो, नॉट एट ऑल। क्यों? देखिए यहां सी बाय 100 बराबर के माइनस 273 माइनस में, यहां भी 100 है तो ये कट गया। के बराबर जब भी आएगा तो सी प्लस 273 ही होगा। कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं है जो एक दूसरे से एग्री कॉमन पॉइंट पर टैली करे। दूसरा नंबर है, कैन देयर बी एनी टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू इन केल्विन एंड फारेनहाइट स्केल। यस ऑफ कोर्स है, और वो है ऐसे, देखिए 574.25 डिग्री फारेनहाइट बराबर 5074, इतना ही होगा। अब इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, आराम से आप ऐसे करें 32/180 और यहां हो जाएगा के माइनस 273 बटा में 100। अब इसको करना क्या है, कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा कि यहां भी हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं x माइनस 32/180 और इधर से भी x माइनस 273 बटा में आप इसको 100 कर सकते हैं। आप दोनों तरफ काटिए, देखिए कैलकुलेट करके आपका ये 0 0 कट गया, ये 5 हो गया, 9 हो गया। अब क्रॉस कर देंगे इसको, है ना, तो 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का वैल्यू निकालिए, आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, निकालना होगा तो वैसे आप निकाल सकते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा हाई क्लास क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और भी क्वेश्चन आएगा लेकिन इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या है, द अपर फिक्स पॉइंट ऑफ अ रॉन्ग थर्मामीटर इज फाउंड टू बी 210 डिग्री फारेनहाइट व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ भाई, गड़बड़ हो गया ना, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड का वैल्यू 76 cm of Hg होता है, यहाँ एक्सीड कर रहा है 0.268 cm of Hg। कैलकुलेट व्हाट करेक्शन नीड्स टू बी मेड फॉर इट्स अपर फिक्स्ड पॉइंट। कह रहा है एक फॉल्टी थर्मामीटर है, कैसा है अपर फिक्स, किस तरह का है, तो फारेनहाइट थर्मामीटर है ना। और भी क्वेश्चन बोले कि थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ चलिए, वो उसी तरह से बनता चला जाएगा, है ना, और भी क्वेश्चन शामिल किया जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि अपर फिक्स पॉइंट और रॉन्ग थर्मामीटर कितना है, 210 होना चाहिए, कितना जी 212 है, कितना 210, गड़बड़ हो गया, 2 डिग्री फारेनहाइट का लोचा है यहाँ, एटमोस्फेरिक प्रेशर में भी गड़बड़ है, 76.268 cm of Hg। कैलकुलेट व्हाट करेक्शन इज टू बी मेक फॉर इट्स अपर फिक्स पॉइंट। चलिए यहां देखिए क्या गड़बड़ हो रहा है। पहला बात ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड गिवन एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 76 cm of Hg, ये भी सी है, बहुत पहले क्लास से आ रहा है ना, तो यहां गड़बड़ हो गया, 0.268 cm of Hg प्रेशर भी चल रहा है गड़बड़। अब एक बात का ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं रह जाता है नहीं ध्यान रखने का। ठीक, इफ चेंज इन प्रेशर, अगर चेंज इन प्रेशर 2.68 cm of Hg होगा तो बॉइलिंग पॉइंट में जो वाटर में चेंज होगा, चेंज बोल रहे हैं, आने डेल्टा सी बाय 5 बराबर डेल्टा एफ बाय 9 हो गया, तो डेल्टा सी बराबर डेल्टा, यहां जो है आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये हो जाएगा 5/9 है ना, 9 फारेनहाइट, ये या फारेनहाइट वाला जी इधर लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहां ध्यान रखना है, ए डिग्री फारेनहाइट बराबर 9/5, यहां आपका ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे हम वहां लिख दिए हैं कैलकुलेट करके, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ढंग से इसको रखना है,
पहले भी बताया हुआ है तो आते हैं। तो यहां ये बात ध्यान रखिएगा कि चेंज इन प्रेशर अगर 2.68 सीएम ऑफ एजी होगा देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर चेंजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हुआ 9/5, है ना, 9/5 डिग्री फॉरेनहाइट। इसका मतलब हुआ 1 डिग्री में 9/5। तो यहां देखिए, देयरफॉर फॉर चेंज इन प्रेशर बाय 0 पॉइंट, तो यहां देखिए क्या है कि 2.68 में चेंज कितना हुआ, 0.268, यानी चेंज कितना पार्ट में हो गया, तो इतना है, और गड़बड़ होता है 2.68, तो फ्रैक्शनल चेंज कितना आया, तो फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा 0.268/2.68, है ना। कितना चेंज, कितना पार्ट चेंज करना था, अरे ये देखिए 2.68 सीएम ऑफ एजी अगर चेंज करेगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो जाएगा, तो इतना में कितना होगा, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके, और इसमें से 1 डिग्री सेंटीग्रेड का बढ़ोतरी हो रहा है, इसका मतलब 9/5 डिग्री फॉरेनहाइट हो गया, यानी ये 0.18 डिग्री फॉरेनहाइट का गड़बड़ हो रहा है। यानी करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर था 212, अपर फिक्स पॉइंट इसमें से जुड़ गया 0.18 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी टोटल इतना आ गया, है ना। अब क्या करना है कि इसको हम लोगों को कैलकुलेट करके दिखा देना है, फाइनली करेक्शन कितना होगा। तो करेक्शन इन यूएपी 212 होता है ओरिजिनल, गड़बड़ हुआ प्रेशर की वजह से तो 0.18, तो इसमें से देखिए ये आपका आ गया, उसमें से 298 210 माइनस कर देंगे तो पता चलता है कि ये 2.1 डिग्री फॉरेनहाइट करेक्शन हैज टू बी मेड इनटू द अपर फिक्स पॉइंट। ये था कुछ प्रॉब्लम, और जो है आपका टेम्परेचर स्केल 5 स्केल के बारे में बताया गया, सारा चीज की जानकारी दी गई। अब रहा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, एक बार फॉर्मूला जो बेसिक था वो बताया गया, फिर इसको डिस्कस किया जाएगा, इसमें से प्रॉब्लम लगातार शामिल किया जाएगा, एक थोड़ा सा सरफेस लेवल का प्रॉब्लम इसमें है, और भी इसमें से जो प्रॉब्लम बढ़िया कैटेगरी का होगा उसको और भी शामिल किया जाएगा। लेकिन कुछ बात जो है वो ध्यान रखना है, जैसे अभी तुरंत बात हुई कि भाई अगर चेंज ये वाला लाइन नहीं बोलना है, बहुत काम आएगा, ठीक है, कई प्रॉब्लम को बना सकते हैं। चले, सबका धन्यवाद, और फिर अगले में अब हम लोग जो कैलिब्रेशन आने के एक्सपेंशन के बाद कैलिब्रेशन है थर्मोमीटर का, स्केल का, उसमें से मिलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।